हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी। फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो छुट्टी के दिन शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं छुट्टी के दिन ही एक साथ वीडियो शूट कर लेता हूँ 4-5, और उसके बाद अपलोड करता रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद जॉब करता हूँ, तो इसलिए मुझे बीच में टाइम नहीं मिलता। बस मैं एडिट करने जितना टाइम निकाल लेता हूँ, थंबनेल वगैरह बनाने का टाइम निकाल लेता हूँ, तो अपलोड कर देता हूँ। तो आज मैं आपको बता दूं कि आपकी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके सामने। अगर आप वर्चुअल अकाउंट अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर अप्लाई करने का सोच रहे हैं, या फिर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में एक चीज़ और मैं बताऊंगा, अगर आपने वर्चुअल अकाउंट अप्लाई कर भी दिया है, तो उसमें भी दो तीन जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपके पास वर्चुअल अकाउंट पहले से हैं, तब भी आपके काम की बातें ये होने वाली। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो लोग पहले, मतलब जिन्होंने 15-20 दिन या 25 दिन या 1 महीने पहले ट्राई किया था डी रेमिट के लिए, अप्लाई डी रेमिट पर आप क्लिक करके जाते हैं, क्योंकि सभी के ईमेल पे एक ईमेल आया था डी रेमिट का, उसमें एड्रेस वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ था। वैसे भी आप NSDL CRA की वेबसाइट पर जाते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है अप्लाई डी रेमिट। तो अब आपने, अगर आपका POP अगर ENPS नहीं है, आपका POP चाहे आपका नज़दीकी बैंक हो, जैसे आपका बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट जिसके साथ में, या फिर आपने कारवी या CSE या फिनटेक किसी के साथ में अकाउंट ओपन किया हुआ है, तब भी आप वर्चुअल अकाउंट के लिए एलिजिबल हैं। वर्चुअल अकाउंट आप जितने भी NPS अकाउंट है, सभी के सभी ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर वर्चुअल अकाउंट का सबसे बड़ा जो फ़ायदा मैं बता दूँ कि ये डीरेमिट मेथड है, ये सबसे बढ़िया कंट्रीब्यूशन मेथड है NPS के लिए, जिन्होंने NPS में अकाउंट ओपन कर रखा है, या जो मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं NPS के अंदर, साल में 15-20 बार कंट्रीब्यूशन करते हैं, या 10-12 बार करते हैं, तब भी उनके लिए बहुत काम का है। क्योंकि आप नॉर्मल कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसके अंदर आपके 24-12 रुपये से कंट्रीब्यूशन चार्ज एक्स्ट्रा लगता है। जो आप वर्चुअल अकाउंट या फिर डी रेमिट से अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो आपके वो चार्ज बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, आप अपना वर्चुअल अकाउंट ज़रूर अप्लाई करें, यह बिल्कुल फ्री है। इसमें वर्चुअल अकाउंट अप्लाई करने की कोई पैसा या कोई फीस नहीं लगती है। आपका एक्सिस बैंक के साथ में वर्चुअल अकाउंट ओपन हो जाता है सिंपली, उसके बाद आप उसको अपने बेनिफिशियरी में ऐड करेंगे। इसका मैंने वीडियो बना रखा है, बेनिफिशियरी में आपको अपना वर्चुअल अकाउंट कैसे ऐड करना है। दूसरा, Tier 1 एंड Tier 2 दोनों अकाउंट अगर आप यूज करते हैं, तो दोनों एक साथ कैसे ऐड करना है, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, चैनल पे जाके देखें। और अगर आप मंथली SIP करना चाहते हैं, मतलब मंथली पेमेंट आप ऐड करना चाहते हैं साल भर का एक साथ, कि मुझे 12 कंट्रीब्यूशन ये एक साल के अंदर करने हैं, इस डेट को होना चाहिए, वो भी आप ऐड कर सकते हैं SIP भी, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है SIP इन NPS का, वो ज़रूर देखें। अब यहाँ पर मैं आपको दो तीन जो नए लोग हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, या जो अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो वो दो तीन बातों का ध्यान रखें। यहाँ पे पहले आपको सेम डे NAV नहीं मिलती थी NPS के अंदर, अब आपको सेम डे NAV, सेम डे NAV का मतलब आप अच्छी तरह से समझे, अगर आपने मॉर्निंग में 9:30 बजे से पहले NEFT की है, मतलब आप सिर्फ NEFT कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं, IMPS नहीं कर सकते हैं वर्चुअल अकाउंट के अंदर। NEFT अगर 9:30 बजे से पहले, मतलब 9 बजे से पहले की, और ट्रस्टी बैंक के अंदर 9:30 बजे से पहले अगर वो अमाउंट है वो क्रेडिट हो गया है, तो आपको उस दिन जो NAV मार्केट जिस हिसाब से रहा, उस दिन की NAV की यूनिट्स अगले दिन 8 बजे से पहले, अगले दिन वर्किंग डे, मतलब आप वर्किंग डे में ही कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मतलब मंडे टू फ्राइडे, और उसके अंदर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पे यूनिट्स जो क्रेडिट का मैसेज है वो मिलेगा नेक्स्ट वर्किंग डे 8 बजे से पहले पहले आपके पास मैसेज आ जाएगा, और आपकी जो यूनिट्स है वो आपके अकाउंट में शो होने लग जाएगी। इस बात का ध्यान दें। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप वर्किंग डे में कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, तो आपको NAV मिलती है नेक्स्ट वर्किंग डे की, और आपको जो यूनिट्स मिलेगी वो उससे नेक्स्ट वर्किंग डे को मिलेगी यूनिट्स, ये आप ध्यान रखें। तो आपके लिए ये कन्फ्यूजन शायद वर्चुअल अकाउंट का पूरा क्लियर हो गया। इसमें आप एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि आपको बेनिफिशियरी के अंदर वर्चुअल अकाउंट नंबर ऐड करना है, जो आपके मैसेज या फिर ईमेल में आपके वर्चुअल अकाउंट अप्लाई के 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मिलता है। वर्चुअल ID को बेनिफिशियरी में ऐड नहीं करना है, इस बात का ध्यान दें। दूसरी बात, आप ध्यानपूर्वक इस अकाउंट को ऐड करें, और आप अपने बेनिफिशियरी अदर बेनिफिशियरी में ऐड करें, जिसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप चैनल पर जाएँ और वर्चुअल अकाउंट के ऐड और पेमेंट से संबंधित मैंने लाइव वीडियो बना रखे हैं पूरे,
जिसके अंदर मैंने कंट्रीब्यूशन भी करके बताया, ऐड करके भी बताया, SIP ऐड करके बताई, सब कुछ उसमें मैसेज वगैरह सब सौंप रहे हैं। तो वो वीडियोज आप एक बार देखें ताकि आपके कन्फ्यूजन है वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स धन्यवाद आपको, आपने हमारा वीडियो देखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।